तो अस्सलाम वालेकुम जी, जुमा मुबारक फ्रॉम मदीना। और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:25 समथिंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड मस्जिद नबी। तो अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड मस्जिद नबी फॉर जुमा। 12:20 पर जुमा है यहाँ पे। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा रहता है। तो बस पैकिंग वगैरह डन हो गई है। हम मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ और नाश्ता करने के बाद आकर 2 घंटे पैकिंग की है, 2 घंटे सोया हूँ। और अब आई एम ऑल सेट टू गो फॉर जुमा। और गर्मी शदीद है एंड इट्स आवर लास्ट डे, लास्ट फ्यू आवर्स और लास्ट नमाज हेयर इन मदीना। और मदीना लुक्स लाइक दिस नाउ। खैर मैं काफ़ी ऑन टाइम हूँ कि मुझे मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए, और इंशाल्लाह मुझे मस्जिद के अंदर जगह मिल जाएगी। ये जो मैंने स्कार्फ लिया हुआ है, ये स्कार्फ मैंने यहाँ से लिया था, अभी लिया है। तो मैंने सोचा कि जुमे वाले दिन पहनूँगा इसको। तो दैट्स ऑल इट। तो लोग जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, सड़कों के रश है। तो ये देखें कि सामने मस्जिद नबी आ गई। अरे ये हमारा मस्जिद नबी में पहला जुमा है, क्योंकि हमने दो जुमा हमने मक्का में पढ़े थे। दिस इज़ आवर फर्स्ट जुमा हेयर इन मदीना। पता भी नहीं चला कि ये दिन गुजरे हैं मक्का मदीना के, इतनी जल्दी गुजर गए। ओ यार, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा पता नहीं चलता। एनीवेज, जो मस्जिद के अंदर वाली सूरत हाल है वो काफ़ी रश है। तो मैं भी जाता हूँ टाइम से, मैं भी स्पीड से जाता हूँ ताकि मुझे मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए। और माशाल्लाह नीचे। तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मैं मस्जिद नबी की छत पे आया हूँ और मैं यहाँ पे पहली दफ़े ही आया हूँ।
खैर जुमे की नमाज पढ़ ली है तो अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल, क्योंकि हमने टैक्सी लेके जाना है। तो सीइंग दिस गुंबद फॉर द लास्ट टाइम अंटिल नेक्स्ट टाइम। खैर मैं आया मस्जिद से, वापस आया हमने होटल और लिफ्ट में सामान ये सब सामान हमारा है। तो खैर अब ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ ये सब सामान लेकर, 9 बैग्स इन टोटल। दिस इज द कार और ये हमारा सामान है। We are on our way to train station और हमारी 2:30 बजे की ट्रेन है। It's 1:30, हम 10-15 मिनट तक पहुँच जाएंगे उधर, we will be on time इंशाल्लाह। तो 2:30 बजे की ट्रेन और 2 घंटे लगेंगे हमें ट्रेन से जद्दा जाने में, और बाकी डिटेल मैं आपको जाके बताऊँगा। हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए, मदीना ट्रेन स्टेशन, और ये ट्रेन स्टेशन है। ये मेरी ट्रॉली है और वो मामा आगे जा रही हैं अपनी ट्रॉली लेके। हमारी 2:30 बजे की है टिकट और इट्स 1:50, तो बस ऊपर ही जाएंगे और डायरेक्ट बोर्ड करेंगे ट्रेन को। खैर हमने अपनी टिकट चेक करवाई है और हम जा रहे हैं ऊपर डिपार्चर में। ये ट्रॉली मेरे पास और ये ट्रॉली मामा के पास है। तो वी आर गोइंग अपस्टेयर्स टू बोर्ड, रेडी टू गो टू जद्दा। वी हैव टू गो अपस्टेयर्स। Departure. So this is our departure. 2:30. Huh? खैर 5 मिनट तक हम अपनी ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। वी आर वेटिंग इन दिस लाउंज। यार इनके ट्रेन स्टेशन आर वेरी ब्यूटीफुल। वो तो आए, वो अराइवल नीचे चलेगी, नीचे ही जाना है। चलो हाँ चलने चलने फंस के। तो खैर हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, हमारी ट्रेन खड़ी है, ताकि हम आराम से सुकून से थोड़ा सामान रख दें और फिर हम रिलैक्स हो जाएं। खैर वी आर गोइंग और ये सामने हमारी ट्रेन है 2:30 मक्का टू सॉरी मदीना टू जद्दा।
हमारी कोच नंबर इज 9, तो अभी हम 12 पे पहुंचे हैं, तो वो आगे जाके आएगी। कह रही है हमारी कोच रही, तो अब सामान रखते हैं इसके अंदर। ट्रेन में आ गया हूँ, सामान रख लिया। ये पूरा सामान हमारा है और ये लास्ट वाला सारा सामान हमारा है। तो दिस इज अ ट्रेन वेटिंग। अभी 10 मिनट रहते हैं इसके चलने में। एंड सो पंचुअल, आपको 3 दफा पहले भी बताया। तो जी हम आराम सुकून से आके ट्रेन में बैठ गए थे बिफोर टाइम। हमारा 2:30 बजे ट्रेन चलनी है और अभी 2:29 हुए हैं, तो पूरे 2:30 पे ट्रेन चल जाएगी क्योंकि वेरी पंचुअल। और हमने उधर पहुंचना जद्दा पे 4:15 पे, मतलब ऑलमोस्ट ये हमें 1 घंटा 45 मिनट लेगी मदीना टू जद्दा। और इट्स एक्सपेंसिव दो, ये हमारी 2 टिकट्स आई हैं 350 रियाल्स, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 30K बनता है। तो मेरी सीट ये है, मामा की सीट वो आगे है। तो खैर ट्रेन खाली होती है तो जिधर मर्जी बैठ जाएंगे। तो इट्स 1 मिनट टू गो और 2:30 हो गए और ट्रेन चल गई है। पूरे 2:30 हो गए और ये ट्रेन चल गई है। खैर ये रूट है इधर का आज का, ये मदीना से जाएगी किंग अब्दुल अजीज इकोनॉमिक सिटी से, उधर से जद्दा, जद्दा से मक्का। हमने जद्दा भी उतर जाना है, जद्दा का एक स्टॉप है अल सुलेमानिया अल सुलेमानिया ट्रेन स्टेशन। तो हमने जद्दा से उतर जाना, हमने जद्दा अल सुलेमानिया ट्रेन स्टेशन पे उतर जाना है। दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर होटल, वहाँ से हम टैक्सी पकड़ के अपने होटल चले जाएंगे। और हमारा जद्दा में 2 दिन का स्टे है, एक आज का दिन और एक कल का दिन। परसों वी आर लीविंग पाकिस्तान, बैक टू पाकिस्तान। हमारी फ्लाइट है 5:30 बजे की और हमने 4 घंटे पहले जाना है चेक इन बोर्ड करना। तो इंशाल्लाह और ये 2 दिन जद्दा में ही, होप सो वी विल एंजॉय अ लॉट। और स्टिल वी आर मिसिंग मदीना एंड मक्का सो मच। खैर अल्लाह हमें और आप सबको और हमें बार बार बुलाए। खैर इट्स वेरी हार्ड ऑलवेज टू लीव, आई कैन से द हार्डेस्ट गुड बाय। तो एनीवेज वी आर ऑन आवर वे टू जद्दा और हमारी ट्रेन चल पड़ी है। ने अनाउंसमेंट किया है कि आप 2 स्टेशन जाएंगे, एक किंग अब्दुल्लाज़ीज़ इकोनॉमिक सिटी और एक जद्दा ट्रेन स्टेशन। तो जिसकी जाँच किया वहाँ पर उतर जाए, तो हमारी जद्दा की है। और एक और बात, इट इज़ एक्सपेंसिव दो इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको बस बाय बस 5 से 6 घंटे लगते हैं और वो इतना कन्वीनियंट भी नहीं है ना इतना कंफर्टेबल है। ये इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी और बहुत आप रिलैक्स जाते हैं और वेरी कंफर्टेबल सीट्स। ये इसमें ये इस तरह का टेबल है इस तरह, और ये चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ये ऊपर सामान रखने की जगह, वो जहाँ मैंने सामान रखा वो रखने की जगह, और प्रॉपर सुकून से आप जा सकते हैं बस में। इट्स नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। और ये हमारी आई थिंक 3rd ट्रेन है जो हमने इस दफ़ा, हमारी इस ट्रिप की 3rd ट्रेन है और होप फॉर द बेस्ट। खैर जिन लोग जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं तो उनका पॉइंट आ गया, मिकात जहाँ से उन्होंने आराम की नियत करनी है। तो अक्सर लोग हैं जो उम्रे पे जा रहे हैं मदीना से मक्का, और हमने तो खैर जद्दा जाना है। और खैर हमने टिकट्स ऑनलाइन करवा ली थी लास्ट टाइम, हमने जब स्टेशन से टिकट ली थी दे कॉस्टेड अ लिटिल बिट मोर, और बहुत हसल है टिकट लेना। हमने टिकट ऑनलाइन ली हुई थी, हम सिर्फ अपना सामान लेके हमने अपना जो कोड है टिकट का वो स्कैन करवाया और हम एंटर हो गए आराम से, नो टेंशन एट ऑल और वेरी इजी। तो
ऑलमोस्ट एक घंटा 40-45 मिनट का सफ़र है, मैं सो जाऊंगा क्योंकि मेरी फ़ोन के जो इंटरनेट है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। 40 GB था और 40 GB ख़त्म हो गया, तो बस फिर अब मैं सो के जाऊंगा क्योंकि इधर ट्रेन में आई डोंट थिंक सो इधर वाईफाई है, तो मैं आराम से सो जाऊंगा क्योंकि मैं रात को भी नहीं सोया, रात को मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, सुबह बल्कि जो बेटी दवा से पहले 2 घंटे। तो That's all. Thank you for your cooperation. See you in Jeddah.